सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मतलब व्लॉग स्टार्ट किया है, 12-15 पे कुछ स्टार्ट किया है मैंने। तो मैं उठा रहा 11 बजे कुछ एंड नीचे जाके फटाफट से अपना काम जो भी होता है वो निपटा लिया मैंने। एंड अभी बस फ्री है टाइम मेरे पास, तो डैडी के साथ थोड़ा सा बाइक में इंजन फिट करवाया बस, और कुछ काम नहीं किया मैंने बाद में। तो वो रिकॉर्ड करना चाहिए था बट किया नहीं, तो लाइक फ़ोन मैं साइड पर रख के चुपचाप काम करवा रहा था थोड़ी देर। फिर अपने कछुए को रिलीज़ किया था ना, तो वो मतलब धीरे से दरवाजे से बाहर जाके शूज़ मतलब अपना शूज़ रैक है वहाँ पे बैठ गया था। वो भी दादी ने देखा अच्छा हुआ और निकल जाता पता भी नहीं चलता, तो वो मैंने उसको फिर वापस पानी में छोड़ दिया अभी। तो अभी जाना है टाँकी धोनी ऊपर की जो वाटर टैंक है। और अरे आइए जल्दी भाई, कितना टाइम लगा रहे हो आप, जल्दी जल्दी से टाकी साफ करके हमको, फिर और भी काम है, आपको पता है ना हम बिजी पर्सन हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। ये देखो गाइस इन्होंने लेट किया है पूरा, मैं कब से रेडी बैठा हूँ, ऐसे इन्होंने लेट कर दिया मेरे को कि ये कपड़े चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। तो फट से जाते हैं क्लीन करता हूं। तो गाइस एक परफेक्ट सनसेट हुआ पड़ा है यहाँ पे, तो ये देख सकते हो आप पूरा रोटेशन दे दिया मैंने 360। तो अभी वाटर टैंक का ढक्कन ओपन करते हैं फट से एंड देखते हैं कितनी गंदी हुई पड़ी है, मैंने खुद नहीं देखी यार, मैं खुद कितने दिन बाद टेरेस पे आया हूँ, तो एक बार चेक करते हैं। अरे बाप रे इसकी तो वार्ड लगी पड़ी है भाई कसम से। तो ये आप देख सकते हो इतनी मिट्टी हुई बड़ी है ना, तो इसको मे बी साफ किए हुए 7 to 8 months ही हुए होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उतने टाइम में देख सकते हो भाई लाइक जो पानी आता है डेली, मतलब डेली नहीं हफ्ते में एक बार जो वीकली पानी आता है उसमें इतना कचरा आता है भाई, इतनी मिट्टी उसमें होती है। इन्हें लेट करवाया देखो, अभी भी लेट करके आ रहे ऐसे, क्या ही बोले इनको, देखो Yeah. इतना लेट करके आते हैं ना, एक तो ऊपर इनको पता नहीं क्या बोल सकते अभी। तो टाकी तो बहुत गंदी हुई है, फट से अंदर जाता हूँ फिर अंदर से रिकॉर्ड करता हूँ थोड़ा बहुत। तो भाई ये देख सकते हो मैं टाकी में उतर चुका हूँ, मेरे पैर उतना नीचे है मेरे, बाकी बकेट ले लिया, पहले जो भी पानी है वो निकालता हूँ एंड उसके बाद देखते हैं क्लीन कैसे करना है, अंदर से दिखाता हूँ मैं बाद में। भाई अंदर से कुछ इधर तो इतना गंदा नहीं है, जो पैरों में है ना तो यहीं पे बहुत ज़्यादा गंदा होगा। अभी जैसे मैंने ऐसे घुमाया देखो, देख लो भाई पानी पूरा एकदम चॉकलेटी। तो फट से इसको क्लीन करता हूँ पहले, क्लीन करके फिर जब क्लीन हो जाएगी तब का रिकॉर्ड करूँगा, तो पानी क्लीन करना बाकी है। ये साइड से जो है ना धुआं पे जमा हुआ है ना बहुत साल से ऐसे ही हो गया, तो इसको ना मतलब एक दिन क्लियर पूरा दिन चाहिए इसको क्लीन करने के लिए। अभी फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर धुआँ कैसा है, तो अभी पूरा अंधेरा हो चुका है, लाइट फ्लैश से मैं काम कर रहा हूँ, फ्लैश लाइट से कहा था मम्मी एंड मैंने शर्ट उतारी हुई है, पता नहीं मैं रिकॉर्ड करूँ या ना करूँ ऐसे सोच रहा हूँ, कोई ना दिखाई देता हूँ। तो अभी मैंने मतलब बिकॉज बहुत अंदर गर्मी हो रही थी, यहाँ से हवा नहीं आती अंदर कुछ भी नहीं, अंदर इतनी गर्मी लग रही थी शर्ट में, तो मैंने शर्ट उतार दी, फिर बस कर रहा हूँ काम, अभी फट से काम निपटा के फिर जाके नहा धो के फिर डायरेक्ट तब शूट करूँगा। तो भाई ऑल द वे नीचे पूरा क्लीन कर दिया, मतलब जो भी जितनी मिट्टी थी वो सब निकाल दी, तो ऊपर आते हुए देख लो पूरा। तो अब यहाँ से बस अपनी शर्ट उठाता हूँ और नीचे जाता हूँ, तो मेरा काम कम्प्लीट हो गया, अभी मम्मी यहाँ पर कर रही है तो वो अपना करके आ जाएंगे। आ जाओगे क्या, मैं जाऊँ दो। तो भाई कुछ सामान है वो लेके चलता हूँ नीचे, दे दो। चल दो मैं भी उठ जाऊँगा, तो फट से नीचे जाता हूँ जाकर नहा धो के फिर मिलता हूँ। हाँ चढ़ाओ ना ऑन जाके, पहले मोटर ऑन करते हैं पानी चढ़ाता हूँ ऊपर फिर नहा धो के भाई, जिसके लिए मैं बोल रहा था कि मैं लेने जाना पड़ेगा इसको, मेरे को पता नहीं है घर पे आ रही है, तो अच्छा हुआ मैं गया नहीं अभी, मतलब अभी टाइम भी नहीं हुआ था, तो ये सुबह ही चली गई थी काम पे, तो वहाँ से सीधा कॉलेज जाके एग्ज़ाम दे के आई है। तो ये देख सकते हो आप लोग,
ये आके पे फोन यूज कर रही है अपना भी। अभी पता नहीं क्या करना है, अभी मैं रात को सोच रहा हूँ कि कुछ फ्रूट बहुत सारे हैं तो उसका कुछ जूस बनाओ, तो देखते हैं क्या करता है। देख लो चेहरे पे स्माइल, इधर दिखा ना रिएक्शन तब पता चलेगा कैसे घूम गई फट से। तो गाइस खाना वाना खा के मैंने सीताफल को पूरा ऐसे मतलब उसका पल्प निकाल लिया था बाहर, बाकी अभी स्ट्रॉबेरीज मैंने डाली है इसमें, तो फिलहाल कुछ ऐसा है ऐसी सा हुआ है। अभी जार में डाल के उसको अच्छे से शक्कर चीनी डाल के तो ग्राइंड करूँगा, फिर साथ में दूध डाल के एंड थोड़ी सी आइस डालूंगा। है अगर होगी आइस तो फिर डाल दूंगा, नहीं होगी तो फिर रहने दूंगा। नॉर्मली दूध ही चिल्ड है मतलब पूरा ठंडा एकदम, अभी जस्ट लेके आया हूँ। तो एक और बॉक्स है स्ट्रॉबेरी का, तो फिलहाल वो भी डालना है। तो ये लेने के टाइम पे ना पिचक गई थी, मतलब ऑटो में रखी थी ना, तो गलती से ऐसे बोरा सरका नीचे गिरी और मतलब थोड़ी गलती पिचक गई, और जो पिचकी है मैंने वो नहीं डाली, साइड में रखी है डब्बे में। इसमें भी देखता हूँ कितनी पिचकी हुई है, तो वो देख के फिर इसमें डालता हूँ। एंड पहले मैं इसको फटाफट क्लीन करके इसमें रखता हूँ, फिर बाद में देखते हैं क्या। भाई एक कटोरी चीनी डाल रहा हूँ मैं इसमें, बिकॉज अपना पहला तो सीताफल भी है ना, तो वो थोड़ा मीठा होगा, बाकी दूध डलेगा इसलिए मैं मतलब ये डाल रहा हूँ। तो बस इसको ग्राइंड करना है, फट से दूध लेके आता हूँ, दूध ला के इसको ग्राइंड पर लगाते हैं, फिर आज का दिन भी एंड करते हैं जूस पीते पीते। आई मीन स्ट्रॉबेरी शेक, स्ट्रॉबेरी एंड क्या बोलते हैं इसको कस्टर्ड एप्पल, इन दोनों का मिला के शेक बनाया। तो पहले मैं फट से दूध लेके आता हूँ, ऐसे बात करते करते ले आते हैं दूध। तो दूध लिया है एक लीटर, ये रहा अपना दूध, ये नॉर्मल सुरभि कंपनी का है भाई, पता नहीं यहाँ पे लोकल अपनी दुकान जो है ना वहाँ से लेके आ गया मैं। सो यहाँ पे हमारे मास्टर शेफ बैठे हुए हैं, इनको पूछ के मैं सब काम करूँगा, बिकॉज ऊपर नीचे कुछ नहीं होना चाहिए ना, तो पहले मास्टर शेफ से पूछ के परमिशन लेनी अच्छी होती है, बिकॉज वो एक्सपर्ट है यार पहले से। तो भाई पूरा जूस बन गया है एंड बना भी बहुत टेस्टी है एकदम, इनको मैंने टेस्ट नहीं करवाया अभी, मैंने खुद किया है। अभी ऊपर जाके डैड के ऊपर ही कहना है, बिकॉज वो जाके सो गए थे, बिकॉज उनको जल्दी जाना है सुबह भाड़ा। तो एक लोग की ये देख लो, एकदम दिखने में तो मस्त लग रहा है, बाकी मेरे को बाद में याद आ रहा है कि स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी रखनी चाहिए थी ऊपर से कट के डालने के लिए, थोड़ा गार्निशिंग अच्छा हो जाता। बाकी अभी बड़े ग्लास निकालता हूँ, निकाल के जूस सर्व करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। आई मीन शेक, मिल्क शेक नॉट जूस, तो मिल्क शेक सर्व करके फिर आता हूँ। तो भाई ये देखो एकदम झकास, एकदम लाइन में पांच ग्लास पांच लोगों के लिए। तो पहले फट से मैं जाके दे के आता हूँ जस्सी को एंड डैडी को। तो मम्मी थी, डैडी को और जस्सी को देखे आते हैं, बाकी हम तो तीन लोग तो यहीं नीचे ही हैं, तो हम लोग यहीं पे आके पी देंगे। तो पहले डैडी को और जस्सी को देखे आता हूँ, फिर बाद में आके रिकॉर्ड करता हूँ एंडिंग। तो गाइस आप भी पी लो थोड़ा सा जूस बाकी ये लो देख लो एक बार एक लुक। तो फिलहाल जूस पीता, आई मीन मिल्क शेक पीता हूँ, यार जूस ही आ रहा है यार, पता नहीं यार सबसे जूस जूस ही बोले जा रहा हूँ, मिल्क शेक है, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीता हूँ। तो ठीक है अभी ब्लॉग एंड कर देता हूँ, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।